रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद शमा। आज हम बना रहे हैं मायनीज वेजिटेबल सैंडविच। इसे आप मायनीज कॉर्न सैंडविच भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और इसका टेस्ट एकदम कमाल होता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में, टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं या स्नैक्स टाइम में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये किसी भी वक्त खाया जा सकता है। आप इसे एक मुकम्मल मील के तौर पर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न लिए हैं पके हुए 3 से 4 टेबलस्पून। 3 से 4 टेबलस्पून बॉयल्ड मटर लिए हैं। 2 टेबलस्पून टमाटर लिया है। 1 अदद हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे बारीक काट लिया है। ये तमाम चीज़ें चाहिए। इसे हम रख देते हैं इधर साइड पर। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है जिसके अंदर डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच मायनीज। अब इसके अंदर डालेंगे ये कटी हुई टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, बॉयल मटर, शिमला मिर्च और साथ कटी हुई अदरक। एक बार मिक्स करेंगे। ये देखने में जितना कलरफुल है, इसे खाने में उतना ही मज़ा आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बनकर तैयार होता है। आप बिल्कुल इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। आप एक बार बनाएं, आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 पर। यहाँ पर हम लेते हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। दोनों स्लाइसेस में हम बटर अप्लाई करेंगे। एक टेबलस्पून के आसपास केचप अप्लाई कर देंगे। दूसरे वाले स्लाइस पे ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। अब ये जो हमने वेजिटेबल का और मायनीज का मिक्सचर तैयार किया है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। अब सैंडविच को तवे पर हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो उसके लिए चूल्हे पर एक तवा रखते हैं, उसे मीडियम गरम करते हैं। तवे को हमने मीडियम गरम कर लिया। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके ऊपर रख देंगे ये मायनीज वेज सैंडविच इस तरह से। सैंडविच हमारा बहुत ही अच्छा नीचे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। है ना मजे का क्रीमी, बहुत ही जबरदस्त ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। आप इस सैंडविच को हरगिज मिस मत कीजिएगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरे वाला पीस भी इसी तरह से सेक लेंगे। हो चुका है सैंडविच को तवे के ऊपर रखे हुए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और डिश में रखेंगे। मायनीज वेजिटेबल सैंडविच बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रीमी मज़ा देता है। आप इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।